पाकिस्तान में ढूंढे जा रहे राम। आखिर इन पाकिस्तानियों के इतने बुरे दिन कैसे आ गए कि इनको राम ढूंढने की जरूरत पड़ गई है। मेरे को कुछ नहीं पता, पुलिस पता लगा रही है। एक पाकिस्तानी पत्रकार है जो माइक उठा के पाकिस्तान के लोगों के बीच में जाके पूछ रही है कि राम कौन है। ऐसा सवाल मैं लोगों से पूछने वाली हूँ जिसके बारे में खुद डाउटफुल हूँ कि पता नहीं लोगों को पता होगा भी नहीं कि नहीं कि पाकिस्तानी आवाम से जानेंगे कि हमेशा से वो लोग मूवीज में एक वर्ड राम सुनते आए हैं, भगवान राम। ये बचपन से सुना जाने वाला वर्ड राम जो है, क्या उनको इसका मतलब पता है कि नहीं? जो पाकिस्तानी मुसलमानों का जो भगवान राम के प्रति इल्म है, ज्ञान है, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलते हैं पाकिस्तान, पहले तो इन पाकिस्तानियों का भगवान राम के ऊपर क्या ज्ञान है वो देखते हैं और फिर इनके ज्ञान का करते हैं करेक्शन। पहले मैं करूंगा, बाद में आप करना, ठीक है? आतिफ, आतिफ, आतिफ साहब, मेरे सवाल आपसे ये है कि एक वर्ड है राम, वो सुनते ही दिमाग में पहली चीज क्या आती है? राम राम सत्य। राम राम सत्य क्या मतलब है इसका? इसका मतलब जब जनाजा जा रहा होता है तो इंडिया वाले कहते हैं राम राम सत्य। अच्छा, जब उनका मतलब वो मैयत जा रही होती है तो उसको कहते हैं राम राम सत्य। मीनिंग क्या है इसका? जैसे हर वर्ड का एक मीनिंग होता है ना, इसका क्या मीनिंग है? कुछ हर इसका मीनिंग कुछ राम लोग उसको खुदा से बिलिंग करते हैं, कुछ राम राम सत्य कहते हैं। राम राम सत्य जैसे मुसलमानों का कुछ जनाजा जा रहा होता तो हम कलमा शहादत कहते हैं, वो राम राम सत्य कहते हैं। हर एक वर्ड का कुछ स्पेसिफिक मतलब उनके रिलीजन में उनकी कोई लाइन है, लेकिन मतलब क्या इसका नहीं पता। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, उसको जनाजा नहीं अर्थी बोलते हैं, और जो राम नाम सत्य बोलते हैं उसका मतलब होता है कि राम का नाम ही सत्य है। इसीलिए सदियों से ही बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, और आपके जो पुरखे थे आपके कन्वर्ट होने से पहले वो भी यही उच्चारण करते थे, राम नाम सत्य है। अच्छा, मुझे दूसरी बात ये बताते चलें कि कोई भी रिलीजन है क्या उसमें ये चीज़ होती है? या फॉर एग्जांपल हम अपने रिलीजन की बात करते हैं, इस्लाम में ये है कि आप किसी भी रिलीजन की तौहीन कर सकते हो? नो, हमें किसी मजहब की तौहीन करनी नहीं। हमने तो अभी तक, मैंने जो सुना है तो वो इंडिया जो ड्रामे और फिल्में हैं वहाँ पे राम राम का ही मैंने वर्ड सुना है, तो कोई इसके अलावा कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं आता। आपको क्या लगता है क्या मतलब होगा इसका? राम का कोई ऐसा कोई मुझे तो नहीं वर्ड है, राम कोई ऐसा एक आम सही वर्ड है कोई, इसका मुझे तो नहीं इसका क्या मीनिंग क्या हो सकता है, कोई सोचे जरा, तुक्का लगाए। राम मुझे नहीं इसका कोई आइडिया, कोई खास नहीं मुझे इसका वर्ड्स का मीनिंग। सुना किधर आपने? मैंने टीवी पे ही सुना है, इंडियन ड्रामास में। हाँ जी, ड्रामा में। तो मतलब कोई स्पेसिफिकेशन तो होगी ना जिसमें आपने सुना होगा? हाँ हाँ, वो तो है। राम राम वो इंडिया वाले जो करते हैं ना उसमें तो राम राम वो अपने पूछना जिसको, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है वो। ओके, ओके। राम राम का मतलब अभिवादन होता, ठीक है। अच्छा, आपको एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है कि किसी भी मजहब में दूसरे मजहब की तौहीन करना जायज है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलामा इकबाल का एक है मतलब शेर है, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। अगर वो ये भी तो कर सकता था ना कि फरिश्तों से बेहतर है मुसलमान बनना, तो इस वजह से हमें किसी भी मज़हब पे ऐसे तनकीद नहीं करनी चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पर लोगों को देखना चाहिए, वो चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो जो भी है, खैर हमारे लिए वो इंसान ही है। बस उनका लफ्ज़ है वो जयराम कहते हैं, जयराम हम अल्लाह कहते हैं, वो जयराम कहते हैं। अच्छा, आपने जयराम भी कहाँ सुना है? बस उनकी मूवीज़ वगैरह, उनकी मूवीज़ में सुना है। क्या मतलब है इसका? वो मतलब कि हम अपने अल्लाह को पुकारते हैं, वो जयराम अपने खुदा को पुकारते हैं। ठीक है, राम देखा है कभी? राम नहीं देखा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि राम नहीं देखा, सीता देखी है? कैसी दिखती है सीता? बस इंसानों की तरह ही होती है। धन्य हो महापुरुष, आपने सीता माता के दर्शन कर लिए, वो भी एक इंसान के रूप में। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो जगत जननी है, माँ जगदम्बा है, माँ सीता है, वो संपूर्ण जगत की माता है, वो इंसानों की तरह ही होती है। मुझे ये बताओ क्या किसी भी रिलीजन में ये चीज़ है कि आप दूसरे रिलीजन को डिसओबे करो? नहीं, इस्लाम में नहीं है, और किसी में हो उसका कोई पता नहीं। किसी भी मजहब में मुझे नहीं लगता है चीज होगी कि किसी दूसरे मजहब को हम डिसओबे करें। यस, तो अगर वो लोग जिस भी चीज को कंसीडर करते हैं क्या हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए? मतलब उनकी इस चीज को कि यार वो करते हैं तो वो करते रहे, हम उनको कुछ नहीं कह सकते, वो करते रहे। मतलब ये उनके मतलब उनके भगवान का नाम है जो कि हमने हिंदी मतलब क्या इसका मतलब क्या मतलब कहते हैं मुझे कोई आइडिया वैसे कुछ भी तुक्का लगाओ सोचो जरा राम नो आइडिया राम कोई तो मीनिंग होगा ना इसका? नहीं, क्योंकि ये हमारी मतलब के हमारे दीन का हिस्सा नहीं, इसलिए हमें कोई पता नहीं। रमती इति राम, जो रोम रोम में रहता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में रमण करता है, उसको राम कहते हैं। तो दूसरी जानिब दोबारा उसी वर्ड पहले सवाल पे आती हूँ कि राम को सुनते ही, या आपने कहीं राम वर्ड सुना किधर? क्योंकि सुना जी जी सुना हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडियन मूवीज देखी जाती है इसलिए हमें अंदाजा है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में मतलब उनकी ही वो अपने मतलब खुदा को समझ के मतलब वो उनकी पूजा करते हैं, इसलिए सिर्फ ये हिंदी जुबान का वर्ड है आई थिंक। हाँ, तो
पूरा सेंटेंस बोल लेना राम राम नहीं, सिर्फ राम, सिर्फ राम एक वर्ड है, उसको सुनते ही माइंड में क्या आता है? राम सोचो इंडियन मूवीज नहीं देखी कभी? इंडियन मूवीज बहुत देखी हैं। फिर कभी नहीं सुना उसमें राम? राम मेरे ख्याल से तो कैसे हो, मतलब हम बोलते हैं मेरे ख्याल से ये हम कहते हैं कैसे हो, कहते राम जी जी राम नहीं नहीं राम को सुनती कोई मीनिंगफुल चीज बताओ मुझे। राम से खैरियत से हो, मतलब राम इधर आओ इधर आओ इधर आओ, राम का मतलब खैरियत से हो, क्या हाल है, कैसे हो, ये नहीं होता। देखो इंडियन मूवीज में कभी राम वर्ड सुना होगा ना, क्या मतलब जी, जी मैंने सुना है लेकिन मैं इंडिया तो नहीं रह के आया, मुझे पता हो इसका मतलब। मूवीज में तो सुना होगा या राम वर्ड तो सुना होगा कभी। राम बहुत से लोगों के उनके नाम भी होते हैं। ठीक है, क्या मतलब क्या होता है इसका? मतलब ही तो नहीं पता मतलब नहीं पता, सोच जाओ, दिमाग पर जोर डालो। मेरे ख्याल से तो मतलब ये ही कि खैरियत से हो, मेरे ख्याल से खैरियत से हो। इस बेचारे को पता ही नहीं है, और पता ना ही भी हो तो इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जिस मुल्क में रहता है वहाँ 98% लोग इस्लाम को फॉलोवर है और हिंदुओं से हेट करने वाले लोग हैं। अगर इसको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आराम 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 क्या मतलब आराम? राम में सुकून वाला आराम नहीं कह रही मैं, राम आर ए एम राम, वो इंडिया का वो राम, जैसे क्या मतलब क्या उसका? जैसे हम अपना खुदा को मानते हैं वो राम को मानते हैं। आराम मतलब जब भगवान आ जाते हैं ना तभी आराम आता है। आपको कैसे पता वो उसको खुदा मानते हैं? आपने कहीं देखा है, कहीं सुना है? जय राम की। अच्छा मूवीज में देखा है जी। ठीक है, अच्छा किसी भी मजहब में क्या ये बात है कि हम दूसरे मजहब को इंसल्ट कर सकते हैं, तौहीन कर सकते हैं उसकी? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हमें करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। मुझे बताओ राम का मतलब क्या है आपके माइंड में, इमेज क्या बना हुआ है? राम जैसे हम अपने खुदा को मानते हैं वो इसलिए कहते हैं जय राम जी की, वो भी खुदा मानते हैं राम को। क्या बात है भाई साहब, को पता तो है जय राम जी की, जय राम जी की भाई, तो जय राम जी की बोल भी दिया करो। सही बात है, कलमा शहादत जब मैयत दे के जा रहे तो अल्लाह अकबर बोलते हैं, वो ऐसे बोलते होंगे राम। मतलब क्या इसका मतलब ये तो नहीं? अच्छा आपने कहाँ सुना ये वर्ड? ये अक्सर मूवियों में, इंडियन मूवी और ड्रामास में चलते रहते हैं ये वर्ड चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब कोई तुक्का लगाओ, कोई सोचो। एक तो अक्सर कहते हैं ना मूवीज में राम राम, तौबा तौबा तो नहीं है तो राम राम मतलब तौबा तौबा? हाँ मतलब अक्सर वो... हमारी जुबान में भी सराकी में आराम कारगिन, राम कारगिन इस तरह भी बोल जाते हैं। आराम को कह देते हैं राम कारगिन? नहीं आराम कारगिन, कुछ वर्ड्स मिलते जुलते हैं ना इस वजह से। एक तो आर एम रैम क्या बोलते हैं वो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, हाँ वो तो नहीं है। नहीं नहीं वो नहीं है राम, इंडियन वर्ड है राम, नहीं इसका मीनिंग नहीं है। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है राम जो बेसिक स्पेसिफिक एक वर्ड है, जैसे हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि वर्ड मीनिंग्स हम करते आते हैं, राम वर्ड का मीनिंग क्या होगा उनके मुताबिक? मैं आपको बताता हूँ, उनके मुताबिक ये राम यानी कि आराम, ये उसको कई सुकून पीस, हाँ जी सुकून, यानी कि कई तरह से आप ले सकते हैं इनको वर्ड को, कि हमें सुकून मिलता है आराम, यानी कि हम जो भी हम नाम लेते हैं हमारे जो है वो चले सही है। ओके ओवरऑल मैं तो ये बोल सकता हूँ ये शुभ संकेत है कि भाई पाकिस्तान के लोग अब भगवान राम को ढूंढने के लिए निकले और एक न एक दिन इनको भगवान राम मिल जाएंगे, ताकि इनका कल्याण हो और ये जो नफरतों की दरिया इन लोगों ने बाहर रखे हैं उस पर ठंडक की बर्फ गिरे। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक इंडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक मुस्लिम भाई बोला कि भाई तेरा पूरा वीडियो अच्छा है, पूरा वीडियो अच्छा है, तेरे सारे वीडियो अच्छे लगे मेरे को, लेकिन तू लास्ट में जो बोलता है ना तीन वर्ड जो बोलता है वो मत बुला कर। मैंने पूछा क्यों, तो कहता वो मुझे पसंद नहीं है। मैंने उसको हैंड यूजर कर दिया, आज के बाद वो कमेंट नहीं कर पाएगा।